नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज़। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास बुलेटिन राज्य की खबरों से रूबरू कराने के लिए। अपना राज्य में बिहार के कटिहार में गंगा नदी अपना रौद्र रूप में है। इटलाती हुई गंगा की धारा पर झारखंड राज्य के साहिबगंज तक गंगा की फेरी सेवा और साथ ही मालवाहक जहाज के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दी गई है। गंगा के उच्चतम स्तर पर रहने के बावजूद और विभागीय रोक के बाद भी अधिकारियों के नाक के नीचे छोटे नावों और सैकड़ों यात्रियों को बिठा करके छोटे नावों पर प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो नाव का परिचालन हो रहा है वो भी सुरक्षा के मानकों के अनुरूप है। लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है, तो वहीं जान को जोखिम में डालते हुए गंगा के तेज बहाव के बीच यात्रा की जा रही है, वो भी क्षमता से ज्यादा सवारी भर के। वहीं आपको बता दें कि मामले में जब डीएम उदयन मिश्र से कहा गया कि विभागीय आदेश पर मनिहारी में परिचालन पर रोक लगाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। ये अभी गंगा में अत्यधिक पानी होने के कारण जो नाव का परिचालन है और जो फेरी आती है ट्रकों को लेकर के, उसका परिचालन बंद है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है कि परिचालन बंद होने के बावजूद भी कुछ नाव जो है वो परिचालित हो रहे हैं, तो एसडीओ को इसके बारे में जानकारी दी गई है और उनको कहा गया है कि इसकी पूरी जाँच करें और जाँच करके रिपोर्ट दें और जो भी दोषी हैं उनके। मोतिहारी के तुरकौलिया में तीसरे चरण को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया को लेकर दूसरे दिन अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ रही। वहीं आपको बता दें कि जहां पर मुखिया पद के तुरकौलिया पश्चिमी पंचायत में राम जन्म पासवान बिजुलपुर पंचायत से मुन्ना देवी, उत्तरी से पूर्व मुखिया अभय शर्मा समेत कई अन्य प्रत्याशियों ने एआरओ सह सीओ के सामने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। तो वहीं सरपंच पद के लिए बिजुलपुर पंचायत से मोहन महतो, गोरख पंडित समेत कई अन्य लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सबसे ज्यादा भीड़ वार्ड सदस्य व पंच पद के काउंटर पर ही देखने को मिला। भारी बारिश होने के बावजूद भी बारिश में भीगते हुए अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। आरओ सहित बीडीओ रविंद्र कुमार ने बताया कि दूसरे दिन ही नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इस दौरान पुलिस टीम भी सुरक्षा में जुटी हुई है। लगातार हो रही बरसात से सड़क बदहाल है, जनता परेशान है। ये पता नहीं चल पा रहा कि रोड पे गड्ढे हैं या फिर गड्ढों पे रोड है। दरअसल ये पूरा मामला मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के मुख्य मुंगेली लोरमी मार्ग झाफल का है, जहां पर रोड जर्जर हो गए हैं। इनके रिपेयरिंग पैच कार्य के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन भयानक गड्ढे के कुंभकर्णी नींद में सोए हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर देखकर भी ये लोग अनदेखा कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। लगातार हो रही बरसात में सड़क टूट गई है, इसके चलते सवारी वाहन सहित अन्य वाहन को 10 से 15 किलोमीटर घूमकर लोरमी या फिर मुंगेली जाने के लिए घुमावदार रास्ते से होकर तय करना पड़ रहा है। खड़े हैं, आप देख रहे हैं गड्ढा, ये वार्ड क्रमांक 6 गड्ढा है। इसमें आए दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है। आज ही एक महिला गिरकर घायल हो गई, जिसे कुछ लड़कों के द्वारा उसका इलाज किया गया। और आए दिन बरसात के दिनों में यहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है, और यही हाल पंडरिया रोड का है, बिलासपुर रोड का है। पीडब्ल्यूडी विभाग के किसी भी कोई भी अधिकारी द्वारा न मुंगेली रोड का, न तो पंडरिया रोड के रोड का शुद्ध लिया जा रहा है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मुंगेली रोड, पंडरिया रोड और बिलासपुर रोड में जो रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, उसे आप, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी उसका मरम्मत कराएं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की चेयरमैन सुभाष बराला की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हरियाणा भवन में हरियाणा पर्यटन निगम की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में हरियाणा टूरिज्म के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में हरियाणा पर्यटन के कार्यों व प्रगति विवरण की भी समीक्षा की गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पीएस मारवाह की किश्तवाड़ पुलिस के एक अन्य भगोड़े को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जो कि पिछले 20 वर्षों से फरार चल रहा था। सूत्रों से मिली विशेष सूचना पर पीएस मारवाह की विशेष टीम पुलिस टीम का गठन किया गया था। एसडीओपी मारवाह की देखरेख में टीम के साथ ही एसएचओ मारवाह इंस्पेक्टर परवेज अहमद के नेतृत्व में टीम निसार अहमद खोजा ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर फरार आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
पंजाब के जालंधर से बीजेपी लीगल सेल के प्रधान एडवोकेट लखन गांधी को जालसाजी के आरोप में अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लखन गांधी पर आरोप है कि जबर जनाह के मामले में दोषी को जमानत दिलाने के लिए जाली कागजात त्याग कर कोर्ट में तैयार करके जाली कागजात किए गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि अमृतसर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर लखन गांधी का एक दिन का रिमांड भी हासिल किया है। पुलिस के मुताबिक चरणजीत नामक महिला ने मामला दर्ज करवाया था, उसके बेटे पर बलात्कार का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में चार अन्य आरोपी भी पुलिस की पकड़ से अभी बाहर है, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। चरणजीत कौर लेडी से उन्हें मुकदमा दर्ज कराया जी, उहदे लड़के दे गैंगरेप दा पर्चा दर्ज सी, उहदे विच वकील साहब ने जमानत कराउण लई इक जाली एफ डी तैयार करा के उन्हां नूं दे दित्ती सी, ते उहदे संबंध च इन्हां नूं अरैसट कीता है। किन्नी किन्नी दी रिश्वत लई गए यार? इह 8.5 लख रुपए दी जाली एफ डी सी। पर उहनां नूं 2.5 लख कहा जा रिहा कि 2.5 लख रुपए दा एवी नहीं है। टोटल होर चार टोटल चार दोषी आ, चारां दोषियां नूं फड़ांगे, सारयां नूं वक्त लई इक दिन दा रिमांड मिलेगा। पंजाब के गुरदासपुर थाना क्षेत्र के दोरंगला पुलिस ने बीती रात 395 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी राजवीर सिंह ने बताया है कि बीती रात जब दोरंगला पुलिस दल ने टोटा मोड़ पर नाकाबंदी की थी तो एक मोपेड पर एक युवक आते देखा गया, जिससे तलाशी की गई तो तलाशी के दौरान 395 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी की पहचान अश्विनी कुमार के रूप में हुई है। वहीं आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। हाँ जी, देखो जी, गुरदासपुर जिले साढ़े तीन नानक सब डिवीजन के नाल जिहड़ा वा हिमाचल जम्मू पठानकोट साइड पै जांदी आ, इह जिहड़ा वा लगभग जिहड़ा वा सारा समान जिहड़ा वा इधरले पासिओं लै के आउंदे आ, इह वी दोषी जिहड़ा वा हिमाचल अपना डमटाल जिला कांगड़ा दा निकलिया वा। इस करके साढ़े वालों तो पूरी जिहड़ी नशियां खिलाफ़ जिहड़ी आ पूरी सख्ती वरती जा रही आ, ते असीं जिहड़ा इहनां नूं वध तों वध जिहड़ा वा काबू करके इहनां कोल बरामदगी कीती जा रही। हाँ जी, देखो, किसानी संघर्ष को लगभग एक साल से अधिक का समय हो गया है, जिसके चलते जगह जगह पर बीजेपी के मंत्रियों के घरों का किसानों की तरफ से घेराव किया गया है। आपको बता दें कि अमृतसर में राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक के घर के बाहर भी किसान पिछले 14 महीनों से बैठे हुए हैं, जिसमें एक 47 वर्षीय अंग्रेज सिंह नामक किसान के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि इससे पहले भी दिल्ली मोर्चे में 500 से 600 किसानों ने अब तक शहादत प्राप्त की है, लेकिन ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक कि उन्होंने किसान बिल, इसी तरह से किसान बिल जब तक वापस नहीं होते तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और साथ ही खेती बिलों के खिलाफ संघर्ष इनका जारी रहेगा। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने पिस्टौल की नोक पर दुकानों में लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इनमें से 2 आरोपी वो हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में लगातार 7 अलग अलग जगहों पर दुकानों में पिस्टल की नोक पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। इनकी पहचान प्रिंस और अमनदीप के नाम में हुई है। आपको बता दें कि दोनों अमृतसर के ही रहने वाले थे, दोनों ट्रक ड्राइवर का काम करते थे और एक ही मोटरसाइकिल पर दोनों ने सारी वारदातों को अंजाम भी दिया है। पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत दुग्गल ने बताया कि आरोपियों की तरफ से लूट की 9100 नगद राशि, 3 मोबाइल फोन के साथ ही एक पिस्टल भी बरामद की गई है। जगतार सिंह वासी सुभाष कलोनी 88 फुट रोड अमृतसर, ते राजू उर्फ गोरा जो कि तलवंडी भरत थाना डेरा बाबा नानक दे रहने वाला, इन्हों भी अरेस्ट किया गया। ये सारे स्नैचर्स लुट्टा खोहा करन वाले गैंग, ते जो रॉबरी दियां वारदातां अलग अलग एरियाज दे विच नज़र आ रही हैं उन्हां दे विच ये मेन सरगना दे तौर पर ध्यान दे विच आए। इन्हां दी पुछगिछ विच सानू उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि होर भी जिहड़े इन्हां दे गिरोह दे मैंबर है या इन्हां दे एसोसिएट्स है उन्हां नू लिस्ट आउट करके उन्हां नू भी अरेस्ट। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।